अरे शिनचैन यार क्या करें अभी तक एक फ्रूट भी नहीं बिका है एनीवे की बेकिंग्स मतलब सारी फ्रूट बिक जाएंगे कब बेकेंगे मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा एप्पल ले लो केला ले लो ऑरेंज ले लो एरीवे की बे इधर वाले शोरूम में चल के बेचते बात तो सही है अगर शोरूम में जाके बेचेंगे तो फिर तो सारे के सारे हमारे फ्रूट्स बिक जाएंगे क्योंकि बहुत ही ज्यादा मस्त शोरूम लग रहा है यहाँ का जो ओनर होगा वो तो बहुत ही अमीर होगा तो हमारे सारे फ्रूट भी खरीद लेगा और मुझे नई गाड़ी भी चाहिए जिसमें फ्रूट बेच सकूँ मतलब कोई अच्छी सी गाड़ी मिल जाए मस्त सी यार ये देखो भाई कितनी ज्यादा तगड़ी सुपर कार है इसमें भाई फ्रूट बेचने में तो बहुत ही ज्यादा मजा आएगा तो क्या देखते हो भाई कौन कौन सी खड़ी पे तो मकलैरिन खड़ी है लेम्पॉर्गनी भी खड़ी है हेलो यहाँ का ओनर कौन है जो तू आओ फ्रैंकलिन तुम्हारा स्वागत है मेरे शोरूम में है तेरा शोरूम ये तेरा शोरूम कैसे हो गया आओ oh, फ्रैंकलिन मेरा शोरूम तो मेरा ही रहेगा ना

वे यही यहाँ पे हम के लगाने और फिर हमें सारी पूरी अच्छा बोलता है, करते है, हमें यहाँ पे के ध्यान ताकि हमारी सारी इच्छाएं पूरी हो जाए चाहे सुबह हो चाहे दिन हो चाहे शाम हो चाहे रात हो चाहे बारिश हो चाहे बर्फ गिरे चाहे कुछ भी हो जाए तूफान आ जाए भवंड आ जाए हमें यहाँ से हिल लेनी है चलो मंत्री बोलते हैं हाँ बता बता कौन सा बोल रहे हैं

क्या सही में कैसे टेस्ट करे कैसे टेस्ट करे anyway, कुछ भी करो रुक जा कुछ सोच रहे थे रुको मेरे पास एक आइडिया है मुझे सामने वाले पहाड़ पे जाना है पर मुझे पानी में से नहीं जाना इसलिए यहाँ पे ब्रिज बन जा एरी में कुछ नहीं हुआ अरे, अरे तो कुछ हुआ ही नहीं एक सेकेंड ब्रिज आ गया, एरी में कैसे आ गया। अरे मुझे क्या बता और तो मैंने जो बोला वो हो गया भाई तो बहुत ही खतरनाक तो है, है मैंने ब्रिज बना दिया पत्थरों से वो भी उस पहाड़ तक जाने के लिए तो हमें तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक शक्तियां मिल गई है अब हम कुछ भी कर सकते है और एक का फटाफट से कमेंट करके बताओ तुम हम क्या क्या करें इन शक्तियों से ये तो सही में बहुत ही ज्यादा खतरनाक आके तो गाइस अभी हम आ गए चॉप के शोरूम पे क्योंकि हमारे पास आ चुके इतनी मस्त-मस्त पावर्स तो अब तक तो बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है चॉप की तो ऐसी-तैसी कर देंगे चॉप कैसा है आओ तुमको अंदर किसने आने दिया अरे चॉप तेरे सारे के सारे बॉडीगार्ड्स मेल हो चुके बॉडीगार्ड्स कैसे हो सर हम बिल्कुल ठीक हूं अरे सर को सर नहीं बोलेंगे तो क्या बोलेंगे तो यार इन सारे सारे को करके अपना बॉडीगार्ड बना दिया है। तो मेरे पास एक बहुत ही बढ़िया आईडिया है तुम क्या कर रहे हो अब रुक जा तूने को बार से था ना अब मैं ते को तेरी शोरूम से बाहर भगाऊंगा ओम ब्रीम कोल्ड क्रीम हमको आइसक्रीम चौक की सारी गाड़ी बंजा कचुरा बहुत बढ़िया को मना करो ऐसा नहीं करे चौक तूने तो मुझे बोला था मैं गरीब क्या कर दिया मैंने सारे गाड़िया कर दी कचरा सारी बन गएगा तूको बोला था यहाँ से निकल जा अब तू निकल जाम आसा मत करो आओ फ्रांक्रन आसा मत करो अच्छा ठीक है ये शोरूम तुम रख ले आओ फ्रांकन मेरे गाड़े वापस पहला जैसे कर दोन कर तो कर दो क्या बोलते कर देनी चाहिए बिल्कुल नहीं करनी चाहिए चल सिंत मना कर रहे तो नहीं करता चल मैं जा रहा हूँ समात कर रहा हूँ चलो गाय हमारा काम तो हो चुका है चलो यहाँ से चलते चौक के हमने बारह बजा दिए अरे शोरूम का ओनर कौन है जल्दी आओ अरे यार बैंक मैनेजर है। आइये सर आइये सर हमारे अरे उसको बाहर बुलाओ जल्दी से ओके ओके सर ओकी सर चोप चोप जल्दी बाहर आओ आओ तुम कौन कौन हो ऐसी मुझे नहीं पहचानते जिस बैंक से तुमने करोड़ का लोन लिया था उस बैंक का मालिक हूँ मैं हमारे पैसे वापस करो जल्दी जल्दी आओ आओ मैं तुम्हें पैसा नहीं दे सकता अरे क्यों नहीं दे सकते तुम्हारे पे महंगी महंगी गाड़िया थी और एक कचरा कहां आओ मैं सारे के सारे गाने मेरे खराब हो गयी और वो कचरे में कौट हो गई बैंक के साथ स्कैम करते हो शर्म नहीं आती हम तुमको जेल में डाल देंगे आओ मत करो मेरा कोई नहीं है मेरी गाड़ी सारे कचरा बन चुके हैं झूठ मत बोलो आज से शोरूम हमारा जब तक तुम हमारे पैसे नहीं दोगे हम तुम्हारा घर शोरूम सारी गाड़िया सीज कर देंगे हमारे पैसे ला दो आओ हमारा घर में सीज तो मचाऊंगा गाँव पे हमें नहीं पता हमें सौ करोड़ चाहिए अरे क्या चल रहा है आप ये चौक के शोरूम के बाद बैंक वाले क्यों आए चलो चल के पूछते हैं मुझे लगता है कुछ कैंट कर दिया हुआ चलो देखते हैं और सर क्या अरे फ्रेंकली सर आइए आइए आप यहाँ पे कैसे अरे मैं तो यहाँ पे घूमने के चल के रहे अरे सर ये देखो ना ये चौब कुत्ते ने हमसे सौ करोड़ का लोन लिया हमारे बैंक से और हमें लोन नहीं दे रहा और बोला सारी गाड़ियां हमारी खराब हो चुकी है अरे आजकल के लोग भी ना नाकन अरे मेरी मदद कर दो आहा तेरी मदद कर दूंगा अरे सर क्या आप इसको जानते हो जानता हूँ एक काम करो ये शोरूम मैं खरीद लेता हूँ अरे सर क्या आप शोरूम देंगे हाँ हाँ मैं खरीदता हूँ मैं तुमको पैसे भिजवा दूंगा अरे सर आप पे तो पूरा भरोसा है आप तो पैसे भिजवा ही दोगे बाय बाय और चाप क्या हाल है आहो, मुझे माफ माफ कर दो हम हम तुम्हें तुम्हें नहीं करेंगे हम तुम्हें साफ करेंगे अरे ऐसे मत बोल चल चौप, इस बार मैंने ते को माफ किया अगली बार ऐसा कुछ किया ना तो सीधा जेल में डलवाऊंगा पर अभी यार सारी सारी गाड़िया तो खराब हो चुकी कचरे में कन्वर्ट हो गई है तो क्या सर हमें चाहिए हमारे नए नए शोरूम के लिए नई नई गाड़िया तो कई सर काम करते हैं ट्रेवल एंड ट्रांसपोर्ट सर बहुत सारी नई

कर देते हैं हमारे नए नए शोरूम के लिए तो बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है तो गाइस सर सारी की सारी नई नई गाड़ियां आ चुकी है और हमारा हो चुका है शोरूम बिल्कुल नया नया चमचमाता नई नई गाड़ियों वाला और हमने पिछली बार से महंगी महंगी गाड़ियां मंगा शोरूम सही में बहुत ही ज्यादा खतरनाक हो चुका है और मुझे ये वाली गाड़ी सही में बहुत ज्यादा पसंद आ रही थी तो ये वाली गाड़ी मैं लेने वाला हूं तो गाइस सर अगर आपको हमारे शोरूम में आना हो तो आप कभी भी आ सकते हो आपको मैं स्पेशल डिस्काउंट भी दूंगा सिर्फ दस रुपए में कोई भी गाड़ी ले जाना सिर्फ मेरा नाम लिख देना और आपको उसके लिए कुछ नहीं करना सिर्फ लाइक और सब्सक्राइब करना जो भी लाइक और सब्सक्राइब करेगा उसको दस रुपए में जो

फरारी का शोरूम लेम्बर्गेन का शोरूम और मकलेरिन का शोरूम और अपने पास एक शोरूम पहले से तो था ही, तो क्या जा? अपने पास चार चार कार शोरूम हो चुके हैं ये लॉस एंजल के सबसे ज्यादा महंगे और सबसे ज्यादा मस्त शोरूम है जो की हमने खरीद लिए तो क्या आपका सबसे फेवरेट ब्रांड कौन सा कार का मुझे बता देना फरारी लेम्बॉर्गेन या फिर मकलेरिन मेरे तो तीनों ही फेवरेट है इसलिए मैंने तीनों के तीनों एक ही लाइन में खड़े कर दिए और अपना पीछे मस्त बीच में बहुत ही ज्यादा मस्त व्यू भी आते हैं हमारे कस्टमर आएंगे गाड़ियां देखेंगे खरीदेंगे बाहर मस्त यार बीच पे घुमाएंगे बहुत ज्यादा मजा आने वाले तो क्या फटाफट से कमेंट करके बताना बताने तीन तीन शोरूम आपको कैसे लगे और चॉप मैं और शिंचे नाए नाए में रहने के लिए। जी हाँ कल मैंने घर खरीदा है बड़ा और बहुत ही ज्यादा मस्त है तो अभी आपको फटाफट से लेके चलता हूँ उस घर में दिखाता तो हूँ भाई कितना ज्यादा मस्त घर है और हमारे पास मस्त मस्त शोरूम आ चुके हैं मस्त मस्त घर आ चुका है और तो क्या ही चाहिए तो कह सर हम मेरे वापस अपने घर पे आ चुके और कहा सर हम और कौन कौन सी चीजें फटाफट से बता देना मंगवाए क्योंकि हमारे पास वो अभी भी है हम कुछ भी मांगते तो वो सही में आ जाता है रियल में। तो आप फटाफट से कमेंट करके बता देना हम और कौन कौन सी चीजें मांगे अभी हम घर पर अब अब शोरूम में तो पार्किंग तो बड़ी चाहिए यार रोज रोज नई नई गाड़ियां चलाएंगे और यार पुरानी गाड़ी एक बार चलाएंगे उसको यूज करेंगे उसका हम गिव अवे कर देंगे आपको आपको जिसको जो भी गाड़ी चाहिए मुझे कमेंट करके बता देना मैं उसको एक दिन यूज करूंगा फिर आपको दे दूंगा फिर आप आराम से उसको पूरा दिन चला सकते हो जितना

के मस्त मस्त बातें करेंगे और गई सर मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में तब तक के लिए बाय 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 बाय